यहाँ दोस्तों बद्रीनाथ जी का मंदिर, जय बद्रीनाथ। देख सकते हो ये है, हम लोग नदी से पार कर रहे हैं और पहले कुंड में जाते हैं, नहाएंगे फिर। दोस्तों ये है गरम कुंड, यहाँ पे नहाएंगे मस्त गरम गरम पानी से। कुंड है ये, पहले कुंड में नहाते हैं फिर मिलते हैं आपको। फाइनली दोस्तों गर्म कुंड से नहा लिए और अब मंदिर दर्शन करने चलते हैं और दर्शन करने के बाद मिलते हैं। तो ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर, तो दर्शन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि मोबाइल तो अलाउ नहीं रहते नहीं अंदर। तो ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर, इसके पीछे देखो पहाड़ है और ये जो झंडा लग रहा है बद्रीनाथ जी का। अभी 8 बजे अंदर जाने देंगे, अभी सिर्फ बाहर से दर्शन हो रहे हैं, तो 8 बजे जाएंगे अंदर। तो दोस्तों ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर, सामने है, पीछे दिखाया हूँ आपको। और ये अलकनंदा नदी, और यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत से है। तो दोस्तों ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर और पीछे बहुत ही खूबसूरत सा पहाड़ बना हुआ है, ये देख सकते हो इसके सभी तरफ के नज़ारे। तो बद्रीनाथ जी का दर्शन कर लिए, अब यहाँ से जाते हैं फिर, पहले तो रुद्रप्रयाग जाएंगे फिर देखते हैं कहाँ। दोस्तों केसर वाला जो है दूध पी रहे हैं, बहुत ही मस्त स्वादिष्ट। तुका भाई नहीं पी रहे हैं? मैंने पीता हूँ भाई, काबू में पी, एक मन नहीं लगा, मैं नाश्ता वाश्ता। ठीक है ठीक है, ये नाश्ता करेंगे। देखो व्यू बहुत ही खूबसूरत है और दर्शन करके आ गए, और व्यू देखो यार बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम मस्त खूबसूरत सभी। व्यू सब तरफ एकदम खूबसूरत सा है, एकदम बादलों वाला पहाड़, पहाड़ जगह में तो व्यू बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो मेरे पीछे एकदम बर्फीला जगह है, एकदम मस्त लग रहा है, पूरा बादल में ढका हुआ है पूरा पहाड़, देख सकते हो ऊपर में। महादेव। तो दोस्तों अभी बद्रीनाथ निकल रहे हैं, निकल चुके हैं मस्त। वाओ बद्रीनाथ की जय, ये हमारा कर्म गाना है। मस्त दिखा था, हवा तगड़ा। मैं सब वीडियो मल्ला दे दूं। दोस्तों ये है देवप्रयाग, जहाँ पे यह भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। देख सकते हो दो नदी, जो भागीरथी है थोड़ा साफ है और अलकनंदा थोड़ा सा मैला होगी, ये देख सकते हो। चलो हाथ का भसक गए कि वो भसके लायक नहीं है, सही बता तो। तो दोस्तों हम लोग कल रात को पहुंच चुके थे हरिद्वार, और हरिद्वार में हम लोग शांति कुंज में रुके थे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी गंगा घाट नहाने,
गंगा स्नान करने हरिद्वार में, और यहाँ जो है शांति कुंज में रुकने उकने की व्यवस्था है, फ्री में होता है, पंजीयन कराना पड़ता है मेन वहाँ काउंटर से, आधार कार्ड से पंजीयन करते हैं, फिर रहने के लिए व्यवस्था मिल जाता है यहाँ पे, खाना वाना सब चीज़ शांति कुंज में। और अभी चलते हैं हम लोग गंगा घाट, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हरिद्वार का गंगा घाट, अब गंगा स्नान करके शुद्धि का प्राप्ति करेंगे, आनंद का प्राप्ति करने वाले हैं गंगा स्नान करके। तो चलिए जाते हैं गंगा स्नान करते हैं, और आज संडे है और कल सोमवार है सावन का, इसी कारण भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलो चलते हैं, भीड़ लगी है यहाँ से वहाँ तक, लंबा लाइन बोलबम वालों का, कांवरियों का पूरा लाइन लगा, किला स्थल है, भीड़ अभी भी दिखाई दे रहा है, जब कुंभ का समय होता है तो यही मेला लगता है। दोस्तों ये है गंगा घाट हरिद्वार का, वहाँ पे है राम झूला, देख सकते हैं। अभी गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करके मिलते हैं। तो चले हैं दोस्तों गंगा स्नान करने, देख सकते हो बहुत ही पवित्र गंगा मैया का। तो गंगा स्नान करने के लिए तो गंगा स्नान कर लिए और रेडी भी हो गए एकदम से सब लोग, अब हो सकता है ऊपर माता जी का मंदिर है वहाँ जाएंगे और इसके आसपास पूरा घूमेंगे, तो आपको भी दिखाते हैं, बने रहो। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज तो। ये है भागीरथी सेतु सामने, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। ओ देख सकते हो कितना, ओ भाई भी जा रहे हैं मनसा माता जी का मंदिर जो कि है हरिद्वार में, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ दिखाएं आपको। चलो ये देख सकते हो भीड़, अरे मनसा देवी में बहुत ज़्यादा भीड़, बाप जय माता दी। तो ये है मनसा माता जी का मंदिर, ये देख सकते हो यहाँ से पूरा हरिद्वार दिखाई देता है। ओ यहाँ से पूरा हरिद्वार, यहाँ दोनों गंगा है, ये सेतु है बना है पूरा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था माता जी का मंदिर, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी नीचे मार्केट की ओर चलते हैं और नज़ारा दिखाते हैं। तो हरिद्वार घूम ले, अब चलते हैं दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली में थे हम लोग, सो के उड़ गए, फिलहाल स्टेशन में ही है, और अभी जाएंगे लाल किला। ये रहा दोस्तों लाल किला, दोस्तों ये है राष्ट्रपति भवन, और इसके जस्ट सामने है इंडिया गेट। वो तो ये है दोस्तों, सामने में है संसद भवन, ये देख सकते हो ये पुराना है इधर नया, और ये है पीएमओ जहाँ पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, सामने जो दिखाई दे रहा है वो पीएमओ है।